बीजेपी के बयान वीर गिरिराज सिंह एक बार फिर से अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में है। दरअसल उन्होंने राहुल गांधी की मानसरोवर यात्रा पर बयान दिया है, फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। कहा है कि राहुल गांधी भक्ति का ढोंग कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही सवाल खड़े कर रही थी। राहुल गांधी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की कुछ तस्वीरें अपलोड की हैं। इस तस्वीर को लेकर बिहार के नवादा जिले से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विवाद खड़ा कर दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की इस यात्रा को फर्जी बताया है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की यात्रा की एक तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की है। गिरिराज ने कहा है कि यह फोटो फोटोशॉप है, छड़ी की परछाई गायब है। दरअसल भाजपा नेता ने राहुल गांधी की एक तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर में कांग्रेस अध्यक्ष एक छड़ी पकड़े हुए हैं। इस तस्वीर में दोनों व्यक्तियों की परछाई तो नजर आ रही है, लेकिन छड़ी की परछाई गायब है। तो राहुल गांधी अपने मानसरोवर यात्रा पर हैं। वो अपने ट्विटर अकाउंट से फोटो और वीडियो शेयर भी कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी कुछ लोगों के साथ तस्वीरें खिंचाते नजर आ रहे हैं। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की इस तस्वीर को साझा किया है और इसे फोटोशॉप बताया है। मगर जब मीडिया कर्मियों ने राहुल गांधी के साथ इस फोटो में खड़े व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि यह फोटो कोई फोटोशॉप नहीं है और ऐसी कई सारी तस्वीरें खिंचाई गई हैं जो उनके और राहुल गांधी के अकाउंट पर भी अपलोडेड है, जिसे देखकर इस बात का प्रमाण मिलता है कि फोटोशॉप नहीं है। बहरहाल छड़ी की परछाई होना हो, फोटोशॉप होना हो, मगर इन बयानों की राह को देखकर राजनीति किसी और ओर जाते हुए नजर जरूर आती है। जहां पर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, वहां पर बयानबाजी मानसरोवर और छड़ी तक सीमित रह जा रही है। बिहार भाजपा के नेता गिरिराज सिंह का यह बयान सामने आया है।